मध्य जी प्रदेश की मंडियों में गेहूं की नई आवक शुरू हो गई है। ऊपर में भाव 2600 रुपये तक देखने को मिले और नीचे में 1600 रुपये भी गेहूं को हमने बिकते हुए देखा। हालांकि कुछ व्यापारियों का मानना ये था कि 1600 रुपये बहुत ही खराब क्वालिटी की गेहूं बिकी है, जबकि जो स्टैंडर्ड अगर हम गेहूं की बात करें तो उसका भाव 2100 रुपये के भी आसपास देखने को मिला। 2100 रुपये से 2600 रुपये गेहूं का भाव मध्य प्रदेश की मंडियों में। चलिए आपको बताते हैं कि कारोबारियों का और किसानों का जो गेहूं पर आउटलुक है वो क्या कहता है, गेहूं पर उनके क्या विचार हैं। और अभी तो गेहूं की आने की अराइवल की शुरुआत ही हुई है और जैसे जैसे गेहूं का के आवक का प्रेशर बढ़ेगा तो कीमतों के अंदर भी हम एक दबाव देख सकते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये मानना है कि गेहूं का जो झाड़ है, यानी कि अगर हम यील्ड की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो प्रति एकड़ उत्पादन में कमी देखने को मिली है और कमी ये करीब करीब 20 से 25% की कमी दिखाई दी है। गेहूँ लेकर के आए, कहाँ से लाए? रिंजलाए गांव से। कौन सा गेहूँ है ये? ये पूर्णा। क्या भाव बिका है? 2515। और नीचे में कितना गया है? करीबन 2300, 2350 तक। अच्छा, और कौन कौन सी क्वालिटी का गेहूँ आया आज मंडी में? लोकवन आया था, पूर्णा आया था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मालवराज भी आया था। अभी थोड़ा सा गीला आ रहा है धान? हाँ, हल्का सा गीला आ रहा है माल, ज्यादा तो गीला नहीं आ रहा, कोई कोई गीला आ रहा है, कोई कोई सूखा ही आ रहा है, धूप के कारण अच्छा सूख गया है माल। अपना माल पुराना है कि नया? नया नया माल, नया माल। हाँ, तो अब की बार क्या परेशानियों का सामना, मौसम की कुछ मार पड़ी? हाँ, मौसम की बहुत ज्यादा मार पड़ी, ठंडा गिरने के कारण और ये धुंधर वगैरह ज्यादा गिरने के कारण उत्पादन बहुत कम हुआ। कितने बीघाएं बोई थी अपन ने? अपन ने पूर्णा बोए थे 20 बीघा के, और मालवराज है 20 बीघा के, तो 20 बीघा पूर्णा कटवाया, 7-8 का एवरेज आया, एवरेज बहुत कम रहा। और मालवराज में अभी नहीं कटा है, वो अभी गीला है माल, 1 महीने बाद कटेगा। अच्छा, तो मंडी में जैसे जैसे समय बढ़ेगा माल आने की संभावना ज्यादा है अभी? हाँ है ना, अब तो है ही सेम, अब संभावना ज्यादा है, माल ज्यादा ही आएगा, हर रोज ज्यादा आएगा। कितने ट्राली आया होगा आज? आज करीबन होगा 50-55 ट्राली। अच्छा, और कौन कौन सी वैरायटी की जो है आने वाली संभावना है आने वाले समय में? आप जो जिस किसानों ने जो लगाई है, लगभग सब नई वेराइटियाँ ज्यादा लगी इस बार तो मालवराज में, और यूं भी वेराइटियाँ नई नई आने की है संभावना, बहुत वेरायटी नई लगी इस बार। अच्छा, तो हमारी जो लागत है उसका हमको फायदा मिला आपकी बात? अरे लागत अभी तो जो शुरुआत है, जो जल्दी गेहूँ बोआ गया था उसको गर्मी ज्यादा, गर्मी के कारण क्या उत्पादन बहुत कम रहा उसका, तो उसमें तो हालत खराब है अभी तक तो गेहूँ में। ठंड भी लगभग कम पड़ी तो उसका? हाँ, ठंड कम गिरने से बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है, और ये जो धुंधल वगैरह ज्यादा गिर ना, इससे बहुत ज्यादा कोहरा ज्यादा गिरने से नुकसान बहुत है गेहूँ में, सभी फसलों में ज्यादा है। सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी बार कौन से आने की संभावना है? मालव राजी आएगी बस, लेट वेराइटी में। अच्छा, अपने यहाँ जो इंदौर के आसपास कौन कौन सी क्वालिटी का होता है? मालवराज, मालवराज, मालवराज। हाँ, लोकवन वगैरह बहुत कम, अधिकतर इंदौर जिले में मालवराज, मालवराज, मालवराज। आपके आसपास भी मालवराज? हाँ, मालवराज 90%। आपका नाम? गोकुल जी। व्यापारी हैं आप जी? गबू जी, आज मंडी में कौन कौन सी वेरायटी आई थी और क्या ऊपर में भाव रहे और क्या नीचे में? हाँ भैया, अभी तो माल नए आ रहे हैं तो गीले ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी पूर्णा आया था, लुकवन आया था, और एक एक वाहन मालवा छत। क्या रहा ऊपर में भाव और क्या नीचे? नीचे में 2250 रुपये बिका भैया, और ऊपर में 2650 रुपये। कितनी ट्राली माल लगभग आया आज? कुल मिला के 2-2.5 हज़ार रुपये आवक। आने वाले समय में 15 मार्च तक तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये की आवक हो जाएगी। आज कितने ट्राली आए? आज 40 ट्राली। अभी जैसे कि हम बात कर पा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं थोड़ा सा दाने में भी फर्क देखने मिल रहा है। अभी नया है तो दाने में थोड़ी नमी है, धीरे धीरे जब माल की अराइवल बढ़ेगी तो माल भी ड्राई आएगा, माल क्वालिटी भी अच्छी आएगी। मौसम के कारण कोई असर माल? अभी थोड़ा ठंड पड़ने के कारण थोड़ी फसल लेट हो गई है, लेकिन अब जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे से माल की आवक बढ़ना चालू हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन से गाँव से माल आता है? यहाँ आसपास के 50 गाँव से माल आता है, बांगड़दा हो गया मेरा व्यापार। आज का नीचे में भाव 1620 रुपये से मंडी बिकी है, तो 2600 रुपये तक की मंडी बिकी है जो क्वालिटी के हिसाब से। अभी जो 1600 का जो माल बिका वो 50% गीला गेहूं था। अगर अगर कहाँ से आया गांव? अपने देपालपुर क्षेत्र के लगभग लगभग सभी अनाज आता है, और अभी कुछ मऊ क्षेत्र से भी आया है,
सांवेर जिले के आए हैं। आज करीबन करीबन 100 ट्राली के करीब करीब थी नए गेहूँ में। कौन सी क्वालिटी का माल आया? लोकवन, मालवराज, पूर्णा और 147 की क्वालिटी में आया है। अभी शुरुआत हुई है गेहूँ की, आप धीरे धीरे करके आवक बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, आप मान के चलिए कि शिवरात्रि तक अच्छी खासी आवक हो जाएगी। अभी कितने ट्राली माल आया है? आज की तारीख में गेहूँ 100 ट्राली है नया। रोजाना बढ़ रही है? रोजाना बढ़ रही है, 10-20 ट्रैक्टर वाहनों की आवक बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कितनी आवक और मैक्सिमम? मैक्सिमम इस मंडी के अंदर 25 से 30 हजार बोरी की आवक होना तय है आने वाले समय में। भाव में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने मिलेगा? भाव में भी उतार चढ़ाव का लग रहा है, क्योंकि सूखा गेहूँ आना चालू हो जाएगा तो कुछ किसानों को अच्छा दाम मिलेगा इसका। अभी पुराना गेहूँ भी आ रहा है मार्केट? पुराना गेहूँ भी आ रहा है, पुराना गेहूँ तो वही बिक रहा है 2600 से लेकर 3000 तक की रेंज में बिक रहा है। कुछ मौसम की मार वगैरह का कोई ऐसा प्रभाव गेहूँ पर? कुछ मौसम की मार की वजह से गेहूँ में थोड़ा कालापन हो गया है, थोड़ा दाग आने लग गया है, कुछ कलर फेड हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा दाम में भी थोड़ा कम मिलेगा किसानों को। बाकी हर किसी किसान का नुकसान नहीं है, 20% अगर 10% नुकसान है तो 90% किसानों को अच्छा पैसा और उचित दाम मिलेगा इसमें। आपका नाम? रिपोर्ट पसंद आई हो तो निश्चित तौर के ऊपर हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको लहसुन से जुड़ी और दूसरी फसलों से जुड़ी ताजा जानकारी मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर मुहैया हो और आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, तो दिख रहे बेल बटन को भी आप दबाना ना भूलें।